Hello dear student, good morning. Today we are going to discuss about the chemical kinetics, which is a unit number 4 in class 12. That is the chemical kinetics. So chemical kinetics ke hum yahan par baat karenge, to sabse pehle hum janne ki koshish karte hain ki what is the chemical kinetics? Aakhir chemical kinetics kya hai? ठीक है, दैट मीन्स जो केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास होता है उसकी डेफिनेशन क्या बनती है और इसकी रिक्वायरमेंट हमें आखिर क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स। तो सिंपल वे में अगर हम देखें केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल का मतलब सीधी सी बात यहाँ पर हमारा होता है कि किसी भी रिएक्शन में कोई भी आपके पास रिएक्शन है उसकी हम काइनेटिक्स देखते हैं। काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपका काइनेटिक्स टर्म है ये ड्राइव है लैटिन वर्ड से, विच इज द काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, मतलब किसी भी रिएक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है, जहां पर रिएक्टिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उस चीज के बारे में जब हम देखते हैं तो किसके अंडर आएगा? केमिकल काइनेटिक्स के अंडर आएगा। ठीक, और अच्छी तरह से अगर हम डिफाइन करें तो केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद, इसके साथ डील्स करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इन बातों के बारे में कौन बताएगा आपको? केमिकल काइनेटिक्स क्या करने जा रहा है? केमिकल काइनेटिक्स अब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद, इसके साथ डील्स करेगा पहली बार रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा आपको। दूसरा किसके बारे में बताएगा? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में भी आपको केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी आपको कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि जो रिएक्शन है उसकी जो स्पीड कम ज्यादा या जो भी है हो रही है उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर है उनके बारे में भी आपको कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। ठीक, तो सिंपली वी कैन से केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन सब जो बातें हैं इन सब के बारे में कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स आपको बताएगा। नाउ इसके बाद अगर हम देखें कि जो केमिकल काइनेटिक्स है, आखिर हमें केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ी बात, केमिकल काइनेटिक्स ठीक है लेकिन केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत हमें कब महसूस हुई? इन चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है केमिकल काइनेटिक्स की। दूसरी बात, जब आप क्लास 11 पे देखते हो तो आपके पास एक चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स, और एक आप और पढ़ते हो वहाँ पे इक्विलिब्रियम। तो देखिए जरा, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है वो भी कुछ रिएक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो आपका चैप्टर है, पता है आपको डिटेल आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे। अब जो आपको आपका थर्मोडायनेमिक्स है वो आपको बताता है कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, यानी कि फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो आपके पास क्या है इसके बारे में बताएगा? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन आपको कौन बता रहा है? थर्मोडायनेमिक्स, इधर दिस रिएक्शन इज अ प्रोसीड और नॉट। ठीक है, कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी इसके बारे में हमें खास आइडिया मिल जाता है थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा कॉन्सेप्ट? गिव्स फ्री एनर्जी, राइट। तो आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है? गिव्स फ्री एनर्जी, जो आपको बताता है कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर आपके पास क्या होता है, किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। डेल्टा जी क्या आता है? नेगेटिव आता है। तो आपको पता चल जाता है कि जो रिएक्शन होने वाली है, अगर डेल्टा जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, अगर उस रिएक्शन के लिए नेगेटिव आता है तो दैट रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप हुई स्पॉन्टेनियस। ऐसी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस दैट अकर्स स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जबकि दूसरी तरह अगर हम इसका रिवर्स देखें, डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो ऐसी रिएक्शन अपने आप नहीं होती, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी होती है। तो हम बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स की, और डेल्टा जी का नेगेटिव स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। और देखिए, आप सपोज करो कि आपके पास कोई रिएक्शन है R2P, ये आपके पास कोई रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब हमें देखना है कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए हमने चेक किया कि जो आपके पास रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो
लेफ्ट हमें पता चल गया कि डेल्टा जी इसके लिए क्या है, नेगेटिव आ रहा है। डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो दैट मीन्स रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक, अब स्पॉन्टेनियस तो हो रही है, दूसरी बात हमें ये भी पता करना होता है कि जो रिएक्टेड हो प्रोडक्ट में कितना चेंज होता है, कितना अमाउंट उसका बनता है, तो कहां से निकाल पाओगे आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको क्या बताता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब कितना अमाउंट आपका रिएक्टेड से प्रोडक्ट का बना। आपके पास आर टू पी, रिएक्टेड टू प्रोडक्ट, मतलब आपको देखना होता है कि हाँ आखिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव है। अब जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कितनी अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई, ये आपको चेक करना होता है, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसी की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि कितना अमाउंट बना। दो चीजें क्लियर हुई, एक थर्मोडायनेमिक्स फिजिबिलिटी नॉन फिजिबिलिटी, और दूसरा आपके पास है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कहां से पता चला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। ठीक है, दोनों बातें हमारे पास क्लियर हुई कि हमने कोई रिएक्शन देखी वो फिजिबल है या नहीं है, पता चला डेल्टा जी से। कितना अमाउंट बना तो कहां से पता चल गया, केसी से, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। अब हमें देखना है, सपोज आपको कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको क्या देखना होता है, हाँ स्पॉन्टेनियस हो तो बहुत ही अच्छी बात है, दूसरी बात हाँ कितना अमाउंट बन रहा है। ठीक, ये भी क्लियर हो गया कि हाँ कुछ अमाउंट बन रहा है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास निकल कर आता है, हाँ रिएक्शन हो रही है, अमाउंट भी बन रहा है, लेकिन कितने टाइम में बन रहा है वो हमें कहां से पता चलेगा, केमिकल काइनेटिक्स से, जहां पर हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात निकल कर हमारे पास आती है, दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स, जो आपको बताएगा कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने टाइम में बनेगा, कितने अमाउंट बनेगा और कितना कितने टाइम में बनेगा। तो हम हेल्प लेंगे फिर केमिकल काइनेटिक्स की। तो दो चीजें इससे पहले आती है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपको रिएक्शन के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया देता है, और केमिकल काइनेटिक्स आपको बताएगा कि हाँ रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, एक सेकंड में कंप्लीट होगी या एक साल में कंप्लीट होगी, इसके बारे में कौन बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स। राइट, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की तरफ चलते हैं। मतलब हम बात करेंगे यहाँ पर स्पीड ऑफ रिएक्शन, जैसे आप क्या देखते हो अलग अलग व्हीकल्स होती है क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग होती है, कोई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो कोई 80 चलता है, कोई 90 चलता है, कोई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जा सकता है, तो सबका जो स्पीड है वो अलग अलग है। इसी तरह से हमारे पास रिएक्शंस भी होती है, कोई बहुत ही स्लो होती है, कोई प्लग्स बनते ही कंप्लीट होती है, ठीक है पता ही नहीं चलता आपको, कुछ सालों लग जाते हैं, मिलियन ऑफ इयर्स में लग जाते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में, जैसे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम हुआ, एक साल में नहीं बनता या एक सेकंड में नहीं बनता, उससे कंप्लीट होने में काफी टाइम लगता है। तो जब हम किसी रिएक्शन की कंप्लीट होने का जो टाइम है, यानी कि चेंज होने का जो टाइम है, उसके बारे में बात करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम स्पीड ना बोलकर उसे क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं स्पीड, स्पीड। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखिए फिर से देखिए, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है। ठीक, अब होता क्या, जनरली प्रोडक्ट कब बनेगा, जब रिएक्टेंट की अमाउंट क्या होगी, घटेगी, सब ये रिएक्टेंट है, जब ये वाला क्या होगा, घटेगा घटेगा घटेगा, जितनी अमाउंट इसकी यहाँ से कम होगी उतना ही आपको क्या दिखेगा, प्रोडक्ट में दिखेगा। रिएक्टेंट में अमाउंट कम होगी तो ही आपको कहा दिखेगा, प्रोडक्ट में दिखेगा। मतलब जब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो जितना कंसेंट्रेशन इसका डिक्रीज होगा उतना ही कंसेंट्रेशन आपको प्रोडक्ट में इंक्रीज हुआ दिखेगा। राइट, मतलब आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या होगा, इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा। राइट, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है जब प्रोडक्ट बनेगा, तो मतलब रिएक्टेंट तो ही खत्म होगा, वही तो खत्म होगा, और जब रिएक्टेंट खत्म होगा तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आप ये कह सकते हो कि रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन
कंसेंट्रेशन या मोलर कंसेंट्रेशन आप बोल सकते हो डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का मोलर कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब सिंपल सा हमारा जो डेफिनेशन बनता है, अब कितने टाइम में डिक्रीज हुआ, सपोज इसका 100 ग्राम डिक्रीज हुआ, अब कितने टाइम में, ये हो सकता है 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 आवर में कंप्लीट हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, तो उतने ही टाइम में जितना ये खत्म होगा उतना ही बनेगा, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस उतना इसका होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस उतना ही इसका होगा, यहाँ डिसअपीयरेंस होगा या अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट में बढ़ती है। ठीक है, क्लियर। तो सिंपल सा डेफिनेशन हमारे पास बनता है रेट ऑफ रिएक्शन का, देखिए जरा रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन बनता है बच्चों की रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका डिफाइन किया जाता है चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट है, चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इन टर्म्स में ले सकते हो और रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स और इट मे बी प्रोडक्ट। ठीक है, चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही बात है। ठीक है, चाहे रिएक्टेंट के टर्म में लिखो या प्रोडक्ट के टर्म में लिखो, एक कर आए तो रेट का डेफिनेशन चेंज इन कंसेंट्रेशन। ठीक, अब देखिए मैथमेटिकली मैं किस तरह से लिख सकता हूँ इसे, देखिए जरा इसे मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, we can write as a mathematically we can write rate equal to change in concentration और एक concentration किसका हो सकता है, reactant का भी हो सकता है, product का भी हो सकता है, divided by time taken जितना भी time वहां पर लगा होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा अगर मैं बात करूं कोई आपके पास reaction है reacting to product, ठीक इसी टाइम पे हमने इसका कंसेंट्रेशन चेक किया, इसका भी चेक किया, सपोज हमने T1 टाइम पर इसका कंसेंट्रेशन चेक किया तो ये निकल कर आया R1 और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन निकल कर आया P1, राइट। उस टाइम बाद हमने फिर से चेक किया तो इसका कंसेंट्रेशन निकल कर आया R2 और इसका कंसेंट्रेशन निकल कर आया P2, राइट। अब बात करें क्योंकि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन घटेगा जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन घटेगा, तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो R1 is greater than R2, तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया वो ये क्या इंडिकेट करता है, कंसेंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसेंट्रेशन। ठीक, R1 is greater than R2, तो इनिशियली रिएक्टेंट ज्यादा होगा जो प्रोडक्ट में बदलता जाएगा तो इसका कंसेंट्रेशन धीरे धीरे घटता जाएगा। प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम देखें क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा P2 is greater than, लिख सकते हो क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, राइट, P2 is greater than P1, राइट। अच्छा अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, देखिए जरा एक बार फिर से एक और कॉन्सेप्ट देखिए, R2 minus R1 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R2 minus R1 इसे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा आर क्या दिखाएगा, लार्ज डिफरेंस को दिखाता है और ये वाली जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। P2 minus P1 ये क्या आएगा, P1 ठीक है, आएगा P1 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 P1
साइड से R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 राइट। फर्दर डेल आर की फॉर्म में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो डेल आर बाई डेल टी डेल आर बाई डेल टी क्लियर। सिमिलर वे टू रख लीजिए देखिए फोर प्रोडक्ट समझो जरा प्रोडक्ट के लिए मैं रेट लिख सकता हूँ प्रोडक्ट के टर्म में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आइटम डिवाइड बाई डेल टी टू देखिए पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाई पी टू माइनस पी वन ये डिफरेंस इसे आप डेल्टा पी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके डेल्टा पी
डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव में रिप्रेजेंट किया जाता है। रेट किसी भी रिएक्शन का पॉजिटिव में रिप्रेजेंट किया जाता है, रेट नॉर्मली कहे तो हमेशा पॉजिटिव में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि डेल आर क्या है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि आर टू इज डन लेस देन आर वन। वाला क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड रेट डेल आर का ये नेगेटिव आ रहा होगा। अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये रेट जो हो जाएगा ये पूरा नेगेटिव होगा। समझ रहे हो बात, डेल आर क्या है, नेगेटिव आ रहा है। डेल आर जब नेगेटिव आएगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। अगर ये नेगेटिव में आएगा तो क्योंकि हमारे पास क्या होता है, रेट कभी भी हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हालांकि नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रेट को हमें पॉजिटिव में ही दिखाना है। तो अगर रेट को पॉजिटिव में दिखाना है, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी नेगेटिव साइन में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो इस नेगेटिव को या फिर रेट को अगर आप पॉजिटिव करना चाहो तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, नेगेटिव साइन। ठीक है, ये वाला नेगेटिव और इसका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरह से रेट को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों का है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उसे मैं लिख सकता हूँ डेल आर बाई डेल बी। हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू डेल आर बाई डेल बी, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा इक्वल टू डेल पी वाई डेल टी। ये आप लिख सकते हो, एक जनरल रिएक्शन जो हमारे पास थी आर टू पी, उसके लिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिएक्टेंट के साथ हमेशा आपको नेगेटिव साइन का यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि रेट को आप कभी भी नेगेटिव में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब जो ओवरऑल क्वांटिटी से सॉल्व करके जो आएगा वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव में। पहले आप नेगेटिव पॉजिटिव, तो रेट क्या गया, पॉजिटिव आ गया। आई होप मैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं, थोड़ा आगे देख लेते हैं। जो आपके पास रेट है उसका जो हमने एक्सप्रेशन देखा चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, अब अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहूं, अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं, ठीक है, अब यूनिट क्या होगा, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन को किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, किसमें कर रहे हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर टाइम। टाइम तो आपके पास कुछ भी हो सकता है, सेकंड में ले सकते हो, मिनट में ले सकते हो, मोल पर लीटर बाई सेकंड। ठीक है, तो ये आपका यूनिट हुआ मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक, अच्छा एक और बात हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि जो रिएक्शन होती है, मैंने बताया आपको कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, स्लो होती है, बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। तो जितनी भी आयनिक रिएक्शन है, ये सब क्या होती है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, प्लस बनती कंप्लीट। तो क्यों कंप्लीट होती है, क्यों फास्ट होती है, इसके पीछे का जो लॉजिक है, क्योंकि जब आप आयनिक रिएक्शन कराते हो तो सॉल्वेंट में आयन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, मतलब कहीं पर भी हमें आयनिक रिएक्शन में बॉन्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी आयन्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इससे रिएक्शन कैसे भी फास्ट होती है। जबकि अदर रिएक्शन मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब आप कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड वाले, तो वहां पर क्या होता है, पहले हमें बॉन्ड लेके इसके अंदर पड़ते हैं, बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनते हैं, आयन्स बनते हैं या फ्री रेडिकल बनते हैं, और तब जाके रिएक्शन आगे होती है। तो आपके पास कोवेलेंट वाली रिएक्शन यानी कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है, वहां पर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकेज होता है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर बॉन्ड ब्रेकेज होगा वहां पर टाइम तो लगेगा ही, बट जो आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है, क्यों फास्ट होती है, ऑलरेडी आयंस होते हैं, ऑलरेडी आयंस आर प्रेजेंट। और दूसरी बात ये कह सकते हो कि वहां पर किसी भी तरह से हमें बॉन्ड ब्रेकेज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपके पास था केमिकल काइनेटिक्स।